कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर के जो चैप्टर 3 हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वो पढ़ाने जा रहा हूं। इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। यहां से आपके एसटीईटी के एग्जाम में 40% क्वेश्चंस इन्हीं सब टॉपिक से दिए जाएंगे और 60% क्वेश्चंस जो है मेन रूप से डीबीएमएस आरडीबीएमएस नेटवर्किंग डाटा स्ट्रक्चर और उप्स कॉन्सेप्ट के या एचटीएमएल बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे जो बेसिक क्वेश्चन हैं इसमें से 40% तक आपके यानी 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें 40 नंबर तक के क्वेश्चंस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से ही रहेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड रहेंगे, कंप्यूटर के हिस्ट्री बेस्ड रहेंगे। तो इसको आप पहले अच्छे से क्लियर करें, फिर आगे मैं आपको डीबीएमएस आरडीबीएमएस की भी जानकारी दूंगा। तो फिलहाल यहां पर देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था, तो सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। आप लोग पढ़े होंगे कंप्यूटर का जो प्रथम पीढ़ी जो कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था और बहुत बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे, तो कंप्यूटर का वजन भी जो है 70,000 टन तक का होता था। तो यहाँ पर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात जानकारी का है ये कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्बाध ट्यूब का प्रयोग हुआ था। ठीक है, और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। वैक्यूम ट्यूब इंग्लिश में भी लिखा रह सकता है। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग यहाँ पे होता था। उसके बाद है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है तो किस प्रकार के जो भी आईसी चिप लगे होते हैं, तो उसमें यूएलएसआईसी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। बहुत छोटा सा चिप होता है अल्ट्रा लार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो वर्तमान में यूएलएसआईसी का प्रयोग किया जाता है, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार के चिप का प्रयोग किया जाता है, तो यूएलएसआईसी अल्ट्रा, इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज, ठीक है, स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपको, तो ये याद रखना है आपको अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद है द्वितीय पीढ़ी में निर्बाध ट्यूब की जगह किसका प्रयोग किया गया था, तो द्वितीय पीढ़ी में याद रखना आपको ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या चीज का प्रयोग किया गया था, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निर्देशों के समूह क्या कहलाते हैं, प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, प्रोग्राम कहलाता है। तो बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है, और विभिन्न सारे प्रोग्राम मिलकर के मेनी प्रोग्राम मिलकर के क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहे जो भी सॉफ्टवेयर हो, तो विभिन्न सारे प्रोग्राम का ही मिश्रित यानी मेल से ही सॉफ्टवेयर बनता है। तो सबसे पहले सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है, ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जैसे प्रोग्राम क्या होता है, कोई भी चीज करने से पहले आपको स्टेप बाय स्टेप जो विधि है उसको उसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, वही प्रोग्राम कहलाता है। यहाँ कंप्यूटर को परस्पर जोड़कर सूचना के आदान प्रदान का एक जाल नेटवर्क बनाने का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ, तो चतुर्थ पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी। तो यह जो नेटवर्किंग जो आई है यह पांचवी पीढ़ी का है, तो इसमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। माइक्रो कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं वो किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर हैं, और इसकी शुरुआत किस पीढ़ी में हुई है, तो इसका आंसर होगा चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो कंप्यूटर, जो भी डेस्कटॉप लैपटॉप ये सब माइक्रो कंप्यूटर के ही एग्जांपल हैं। कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वर्तमान समय में जो कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं वो किस प्रकार के उदाहरण है, तो माइक्रो कंप्यूटर के। ठीक है, उसके बाद मिट्स क्या चीज से संबंधित है, एक प्रकार का यह क्या है, प्रोसेसर है अल्टेयर 8800। ठीक है, उसके बाद बेसिक कंप्यूटर की भाषा है बेसिक। ठीक है, यह किस पीढ़ी की भाषा है, तो तृतीय पीढ़ी की भाषा कोबोल पास्कल बेसिक, ये सब कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, प्रोग्रामिंग भाषा हैं। तो ये याद रखना आपको, ये कौन सी पीढ़ी के हैं, तो ये हैं आपके
तृतीय पीढ़ी के, ठीक है। अब है निम्नलिखित में से वह सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था जिसे 1970 ईस्वी में तैयार किया गया था। तो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004, बिल्कुल याद रखेंगे ये क्वेश्चंस कंप्यूटर के कई बार पूछे जा चुके हैं, जो पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था जिसे 1970 में और ये आईबीएम कंपनी द्वारा तैयार किया गया था, तो इंटेल 4004, ठीक है, इंटेल 4004 याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1946 में एकर्ट और मोशली ने एक कंप्यूटर बनाया, उसका नाम क्या था। तो एनिएक एक कंप्यूटर था, ठीक है, जिसे कि मोशले माइकले भी लिखा रहता है, तो एनिएक नाम का, ये याद रखना है आपको। कई कंप्यूटरों में आंतरिक स्मृति यानी इंटरनल मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम काम में लाए जाते हैं, तो यह किस पीढ़ी की देन है, कब काम में लाए जाते थे मैग्नेटिक ड्रम, तो याद रखना है प्रथम पीढ़ी, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में। सन 1954 में मेसर्स जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने एक कंप्यूटर विकसित किया था, उसका नाम क्या था। तो मेसर्स जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के द्वारा जो कंप्यूटर बनाया गया उसका नाम था यूनिवैक 1, ठीक है। 1965-70 तक कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चली है, तो तृतीय पीढ़ी। 1955 से यह प्रथम पीढ़ी की शुरुआत हो जाती है और यह 1965-70 में तीसरी पीढ़ी रहता है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में स्वयं सोचने की क्षमता पैदा की जा रही है, तो ये वर्तमान आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल अभी सबसे ज़्यादा इसी पे वर्क हो रहा है कंप्यूटर के फील्ड में, तो ये केमी पीढ़ी चल रही है अभी वर्तमान में, तो ये पांचवी पीढ़ी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की, केमी पीढ़ी है पांचवी पीढ़ी, अभी मेन रूप से इसी पे काम हो रहा है, ठीक है, पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स वगैरह जो हैं, रोबोट और भी बहुत सारे मशीन हैं, अब डायरेक्ट जो है कार उर चलाने के लिए भी अब क्या है कि विदाउट ड्राइवर के भी चलेंगे, तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत ही ऐसा संभव हो पाएगा। 10 बिट के संकेतों वाली भाषा थी, तो 0 और 1 मैंने आपको कल भी बताया था, यह भाषा मशीनी भाषा है और दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो आपकी हमारी भाषा नहीं समझता, वो बस 0-1 की भाषा, ऑन ऑफ की भाषा समझता है और उसी के आधार पर वो वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह एक प्रकार का किस प्रकार की भाषा है, तो मशीनी भाषा 0-1 की भाषा, बाइनरी सिस्टम किस प्रकार की भाषा है, तो यह है, ठीक है, मशीनी भाषा, लो लेवल लैंग्वेज भी इसको हम बोल सकते हैं। लो लेवल इसलिए क्योंकि यह सबके समझ में नहीं आता है। मेन फ्रेम तथा मिनी कंप्यूटर किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है, तो मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम यह तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। चलिए, यह छोटा सा टॉपिक था और मात्र 16 क्वेश्चन ही इसमें बने हैं और नेक्स्ट टॉपिक भी मैं इसी वीडियो में कर देता हूँ। चलिए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार कितने हैं, अगर हम कंप्यूटर को बांटे तो दो प्रकार से हम बांट सकते हैं। सबसे पहले आपको कार्य पद्धति के आधार पर, दूसरा क्या है आपके कृति के आधार पर, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लू जीन है, तो एक प्रकार का क्या है, सुपर कंप्यूटर है। बहुत सारे प्रोसेसरों को जब समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उसका स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है यानी फ्लॉप में मापा जाता है, तो उसे हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है, तो सिंपल सी बात है, सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सीडेक एक कंप्यूटर संस्थान है, कंप्यूटर का सीडेक, ठीक है, तो किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है कंप्यूटर से। भारत में सिलिकॉन वैली कहते हैं किसे, तो बेंगलुरु को, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिलिकॉन के बने होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल के, और इसलिए हम इसको यहीं पे सबसे ज़्यादा तैयार किए जाते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल और इंडियन कंपनी भी, जो कि चिप्स, मेमोरी और जो भी प्रोसेसर वगैरह बनाती है, इसलिए बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
चलिए ट्रांजिस्टर है एक प्रकार का, तो तीव्र स्विचिंग डिवाइस है, ये याद रखना है, यह एक प्रकार का ट्रांजिस्टर क्या है, स्विचिंग डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन विकसित सुपर कंप्यूटर है, कौन भारत में विकसित, तो सुपर कंप्यूटर यहाँ पे होना चाहिए नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर है नहीं है क्योंकि परम भी है, अनुपम भी है, पेश विग्रो नहीं है, ठीक है, विग्रो विप्रो होना चाहिए था, यहाँ पे विप्रो विग्रो लिखा गया है, तो ये जो है सुपर कंप्यूटर विप्रो नहीं है। विप्रो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर आईटी कंपनी है जो कि इसका चौथे रैंक पे इंडिया में आईटी कंपनी में ये जाना जाता है। अनुप्रयोगों या कार्यों के आधार पर कंप्यूटर को कितने भाग में बांटा गया है, तो मेन रूप से तीन भाग में प्रयोग के आधार पर, सबसे पहला आपका एनालॉग कंप्यूटर जो कि लाइट बिजली पे काम करेगा, कोई भी यह इनपुट के रूप में किसी भी डाटा को ले सकता है, फिजिकल डाटा को भी ले सकता है। डिजिटल कंप्यूटर यह सिर्फ बिट के रूप में ही लेता है, डिजिट के रूप में ही डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड जो दोनों मिल करके होता है, दोनों प्रकार के डाटा यह ले सकता है, यानी खास करके यह एनालॉग लेता है और आउटपुट डिजिटल में देता है, तो वह हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। तो अनुप्रयोग के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं एनालॉग कंप्यूटर, जैसे एग्जांपल स्पीडोमीटर, डिजिटल कंप्यूटर जैसे आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप, ये सब क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर हुआ जैसे रोबोटिक सिस्टम है, ये सब क्या हाइब्रिड सिस्टम में ही आते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर में। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, आकार के आधार पर कंप्यूटर की श्रेणियां, तो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं, मिनी कंप्यूटर खास करके बैंकिंग, रेलवे वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है, या कोई ऑफिस में, वर्क स्टेशन भी एक प्रकार का जो है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जांपल है, तो इनमें से सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं, तो मेन फ्रेम, पर्सनल को ही हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम पद्म जी हाल में चर्चा का विषय था, ठीक है, परम पद्म एक जो है सुपर कंप्यूटर है, तो यह क्या है, तो भारत द्वारा एक विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम है परम पद्म, ठीक है, परम 10,000, ये सब सुपर कंप्यूटर के ही। उसका निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, Y2K कंप्यूटर, गठिया, यूरिक एसिड, उसके बाद ध्वनि, प्रदूषण, ठीक है, ये सभी सुमेलित हैं, Y2K भी कंप्यूटर से ही सुमेलित है, Y2K गठिया यूरिक एसिड से संबंधित है और ध्वनि जो है प्रदूषण से तो संबंधित है ही। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं क्या है यहाँ पर, इसका ऑप्शन है परम 10,000 मिसाइल परीक्षा पास्त्र है, तो ऐसी बात नहीं है, यह क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप निम्न में से किससे बनी होती है, तो सिलिकॉन मटेरियल जो कि अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से यह बनी होती है, ठीक है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक है। उसके बाद है, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया तो किस संस्था ने किया था, तो पुणे की एक सीडेक संस्था है, सीडीएसी, उसी ने किया था। आईबीएम का पूरा नाम क्या है, ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नाम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, मिनी कंप्यूटर की मेमोरी और गति माइक्रो कंप्यूटर से क्या होता है, तो कम होता है, मिनी कंप्यूटर की गति माइक्रो कंप्यूटर से क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, तो अनुपम, कौन सा है, अनुपम क्या है, भाभा जो रिसर्च सेंटर है परमाणु अनुसंधान संस्थान, उसके द्वारा यह बनाया गया जो है सुपर कंप्यूटर। व्यापार में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, किस प्रकार कंप्यूटर का, तो माइक्रो कंप्यूटर, जो हम लोग भी यूज करते हैं वह माइक्रो कंप्यूटर का ही एग्जांपल है। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण निम्न में से किसने किया था, तो सीडेक एक पुणे की संस्थान है, उसी ने परम 10,000 बनाया था, तो याद रखना। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग होता है, तो डिजिटल संकेतों का और एनालॉग संकेतों का, दोनों का इसमें प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, तो किसने किया था, ऑप्शन देख लेते हैं, तो यहाँ पे IBM,
एप्पल, इंटेल, तो इंटेल ने ही प्रोसेसर बनाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, आईबीएम एक प्रकार की क्या है, तो कंप्यूटर कंपनी है, ये याद रखना है आपको। संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है, तो वो लेडी एडा अगस्ता है, ठीक है। चार्ल्स बेबेज की पत्नी भी थी यह लेडी एडा अगस्ता, ठीक है, और इसे ही दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। दुनिया की प्रथम प्रोग्रामर महिला ही थी, लेडीज एडा अगस्ता, ठीक है। उसके बाद है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को तो दिया ही जाता है, चार्ल्स बेबेज ने जो है कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, लेकिन मेन रूप से जो है इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का जो है ये बाद का चतुर्थ पीढ़ी का है, तो आईसी का जो है जेएस किल्बी और रॉबर्ट नॉइस को जाता है, ठीक है, रॉबर्ट नॉइस और जेएस किल्बी को जाता है, तो बी और सी इसका दोनों आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, तो यह विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो एनिएक, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक है। कंप्यूटर के पांचवी पीढ़ी का प्रतीक क्या है, तो सुपर कंप्यूटर। कौन सा मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र कंप्यूटर है, तो वह है क्वांटम कंप्यूटर। फिलहाल अभी इस पे रिसर्च चलता है, क्वांटम कंप्यूटर पे सबसे छोटा और तीव्र गति से काम करने वाला कंप्यूटर है। टाटा समूह द्वारा विकसित कंप्यूटर का क्या नाम है, एका, क्या नाम है, एका। द्विधारी पद्धति बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है किसमें, तो डिजिटल कंप्यूटर में। घरों और व्यक्तिगत रूप से प्रयोग होने वाला पीसी किस प्रकार का उदाहरण है, तो वह है माइक्रो कंप्यूटर का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 पे ही यह एंड हो जाता है यह। तो आज इस वीडियो मैंने दो टॉपिक आपका कवर किया है, एक तो पीडी और दूसरा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो आपको, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो आपको जो है 7070634348 पर या नीचे दिए गए वेबसाइट पे आप जाकर के लॉग इन कर सकते हैं। वहां से आपको पीडीएफ मटेरियल, जो मिनिमम कॉस्ट है वो आपको पे करना होगा, उसके बाद आपको सारे मटेरियल्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।